नंबर का टॉपिक है जो कॉर्पोरेट एक्शन है, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी अपने शेयर्स को तोड़ देती है, कई हिस्सों में तोड़ देती है। अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूं, अभी बीच में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपने शेयर्स को तोड़ा, कंपनी IRCTC आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, रेलवे केटरिंग कंपनी है, इसने अपने शेयर्स को कई हिस्सों में तोड़ दिया था। तो कंपनी अपने शेयर्स को तोड़ भी देती है जब भी डिमांड एंड सप्लाई कंसर्न होता है। किसी भी शेयर्स के अंदर डिमांड एंड सप्लाई जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो उस डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट का मतलब है कई हिस्सों में तोड़ देना। अब ये स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्या बेस होता है, इस स्प्लिटिंग के लिए हम लोगों को सबसे पहले फेस वैल्यू को तोड़ना होता है, ठीक है। जैसे IRCTC जब टूटा था तो इसको जो है 8 हिस्सों के अंदर बांट दिया गया था इसको, और इसको जब तोड़ा गया था तो इसका शेयर वैल्यूएशन जो था करीब करीब 4000 रुपए के भाव पर इसका शेयर्स था। तो 4000 रुपए का एक शेयर्स था जिसको एवरेज भाव लिया गया, और इस 4000 रुपए के शेयर्स को तोड़ दिया गया था 800 रुपए प्रति शेयर्स में। यानी फेस वैल्यू क्या था, फेस वैल्यू इसका कितने रुपए था भाई, फेस वैल्यू इसका पहले 10 रुपए था, उस 10 रुपए को कंपनी ने क्या किया, फेस वैल्यू को तोड़कर 5 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी फेस वैल्यू इसका आधा कर दिया गया और 800 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इस शेयर का भाव बना दिया गया। यानी आपके खाते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जहां 4000 रुपए का एक शेयर आप होल्ड कर रहे थे, अभी वही 800 रुपए के आपको कितने शेयर होल्ड करना पड़ रहे हैं, 5 शेयर होल्ड करना पड़ रहा है। यानी जब शेयर्स को तोड़ा जाता है तो शेयर्स की क्वांटिटी आपके अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, बट अमाउंट कम नहीं होता है, क्योंकि पहले 4000 रुपए के शेयर्स में एक ही क्वांटिटी थी, आज 800 रुपए में 5 क्वांटिटी है। तो सिंपल सा तरीका है शेयर्स को तोड़ने के लिए, हम लोग डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि 5 शेयर्स के अंदर आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई कैसा होगा, जब कोई चीज ज्यादा होती है तो उसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा सा वीक हो जाता है, और जब कोई चीज की क्वांटिटी बहुत कम होती है तो उसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होता है। तो IRCTC का मैनिपुलेशन बहुत हो गया था, इस मैनिपुलेशन को कम करने के लिए IRCTC ने अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट कैसे किया, 5 हिस्सों के अंदर, जिसका फेस वैल्यू इन्होंने 5 रुपए। चलिए आज हम लोग देखते हैं भाई, छठा जो पॉइंट है हमारा स्प्लिटिंग है। स्प्लिटिंग का मतलब होता है शेयर्स को टुकड़ों में बांट देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बहुत बढ़िया शेयर है, आप लोगों ने सुना होगा IRCTC, ठीक है। करीब 6000 रुपए तक अपने हाई तक गया था, 6000 के ऊपर भी गया था, करीब 6400 रुपए तक गया था ये शेयर। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो रही है, तो डिमांड एंड सप्लाई को कम करने के लिए इसको स्प्लिट कर दिया गया। और स्प्लिट कैसे किया गया, स्प्लिट किया गया इसकी फेस वैल्यू। भाई आप लोग जानते हो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू का मतलब होता है उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन जिस पर कंपनी ने शेयर्स को इशू किया है, ठीक है। तो इस कंपनी का फेस वैल्यू कितना था, इस कंपनी का फेस वैल्यू था 10 रुपए प्रति शेयर, ठीक है। जब ये 6000 रुपए का होता था, यानी 6000 रुपए पर इसकी 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, कंपनी ने एक भाव डिसाइड किया जहां पर इस कंपनी के शेयर्स को ऐसे हिस्सों में तोड़ना था जहां पर इसकी फेस वैल्यू इक्वल हो जाए, ठीक है। तो कंपनी ने इसका स्प्लिटिंग भाव, इसका स्प्लिटिंग भाव रखा 4000 रुपए। यानी कंपनी ने जब ये शेयर 4000 रुपए पर आया तो उसको कर दिया स्प्लिट, कितने भागों में, 5 भागों में। यानी कंपनी ने अपनी फेस वैल्यू को 10 से घटाकर 4000 रुपए के भाव पर 2 रुपए कर दी। यानी फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, पहले फेस वैल्यू 10 रुपए था, आज फेस वैल्यू 2 रुपए है, यानी बात वही हो गई। तो अब मैंने इस 4000 रुपए के शेयर्स को 5 हिस्सों में बांट दिया, यानी 800 रुपए पर शेयर, ठीक है, ये इसका फाइनल प्राइस आया। तो ऑलरेडी जिनके पास में 4000 रुपए के भाव के शेयर्स थे उन्हें 800 रुपए के 5 शेयर्स मिल गए, या जिन्होंने नए शेयर्स खरीदे थे उनका 800 रुपए पर शेयर उन्हें मिला, और अभी शेयर का भाव चल रहा है ऑलमोस्ट 740 रुपए। तो देखिए मैनिपुलेशन कम हो गया। जब भी स्प्लिटिंग होता है तो स्प्लिटिंग करने के लिए रीजन होता है, शेयर में जब मैनिपुलेशन बहुत हो जाता है या डिमांड एंड सप्लाई बहुत तेज हो जाती है तो कंपनी शेयर्स को स्प्लिट कर देती है, और ये भी एक कॉर्पोरेट एक्शन से जिसका फायदा आप लोगों को मिलता है। कई लोगों ने इसका फायदा उठाया कि भाई आपको सस्ते में शेयर मिल गया,
जो चीज मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं थी या जिसको मैं खरीद नहीं सकता था, भाई 6000 रुपए का एक शेयर हर आदमी के बस में नहीं होता है, लेकिन अब 740 या 800 रुपए के शेयर्स को तो मैं खरीद सकता हूँ, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा आएगी, एक्युमुलेशन ज्यादा होगा, तो एक्युमुलेशन ज्यादा होने से इसके अंदर पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होगा और बाद में जब हम इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा होगा। चलिए 7 नंबर का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स। भाई क्यों करती है कंपनी, क्यों जरूरत पड़ी कंपनी को अपने ही शेयर्स बाजार से वापस लेने के लिए? जब भी कंपनी को बहुत अच्छा मुनाफा होता है और कंपनी के शेयर प्राइसेस जो हैं वो इतने तेजी से नहीं बढ़ते हैं जितने तेजी से कंपनी चाहती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंपनी अपने 60% शेयर्स कंपनी अपने खुद के पास में रखती है और 40% शेयर्स कंपनी पब्लिक के पास में रखती है। तो आप ये देखिए कंपनी इन 40% शेयर्स में से कुछ प्रतिशत को वापस खरीदने के लिए बायबैक का प्रोसेस करती है। यानी ये बायबैक कहां से हो सकता है, ये बायबैक हो सकता है ओपन मार्केट से, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ओपन मार्केट बोले तो, ओपन मार्केट बोले तो एनएससी और आपका बीएससी एके, या फिर ये बायबैक हो सकता है स्पेसिफिक क्लोज्ड वे में, यानी किसी प्रमोटर से, ठीक है, या किसी इन्वेस्टर से हो सकता है। तो बहुत सारे बायबैक के तरीके होते हैं, जब भी कंपनी आती है तो वो बोलती है कि हम लोग ओपन मार्केट से यानी एनएससी बीएससी में चलते बाजार भाव से हम लोग बायबैक करेंगे, और बायबैक की एक तारीख डिसाइड कर दी जाती है कि अभी रेट चल रहा है 1500 रुपए का, हम लोग आने वाली 12 तारीख को इसी शेयर को 1800 रुपए में मार्केट से वापस खरीद लेंगे। यानी कंपनी जिस हिसाब से आईपीओ लाती है और लोगों को इक्विटी देकर उनसे पैसा ले लेती है, तो ये आईपीओ का टोटल अपोजिट है। कंपनी एक प्राइस देती है इक्विटी ओनर को कि आप लोग मुझे 1800 रुपए के भाव पर मेरा शेयर मुझे वापस दे दीजिए, और कंपनी क्या करती है, कंपनी 1800 रुपए जैसे ही जाता है 1800 रुपए के भाव पर इस शेयर को ओपन मार्केट से वापस खरीद देती है। तो इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये प्राइस मैनिपुलेशन जो हो रहा है, ये प्राइस मैनिपुलेशन सेबी के दायरे के अंदर ही होता है, और 1800 रुपए के भाव पर कंपनी ओपन मार्केट से शेयर्स वापस ले लेगी, और हो सकता है ये शेयर्स का परसेंटेज 4% हो या 2% हो या 3% हो, तो इतने शेयर्स बाजार के अंदर वापस आ जाते हैं। दैट मींस कंपनी का जो इक्विटी स्टेटस है, ठीक है, कंपनी का इक्विटी स्टेटस है वो हो जाता है स्ट्रांग, कंपनी के पास में शेयर्स वापस आ जाते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, तभी तो वो ओपन मार्केट से अपने शेयर्स को वापस खरीद रही है। तो ये भी एक टाइप का बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। चलिए 8 नंबर का प्रोसेस है जो कॉर्पोरेट एक्शन है, हम लोग बात कर लेते हैं भाई स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ का मतलब है घुमा देना, ठीक है, स्पिन ऑफ का मतलब है घुमा देना। एक मेरी पैरेंट कंपनी है, एक मेरी चाइल्ड कंपनी है, तो पैरेंट कंपनी अपने प्रॉफिट और लॉस को, पैरेंट कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, चाइल्ड कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस को घुमा देती है आपस में ही, ठीक है। तो स्पिन ऑफ का मतलब है घुमा देना, और ये जो ज्यादातर प्रोसेस है ये बड़ी जो ग्रुप कंपनी होती है, जैसे आप लोगों ने अदानी देखा होगा, आप लोगों ने टाटा मोटर्स या टाटा के जो टाटा ग्रुप देखा होगा, तो ये बड़े बड़े जो कंपनीज हैं इनकी बहुत सारी चाइल्ड कंपनीज होती है, चाइल्ड बोलिए आप कंपनीज को या सिस्टर कंसर्न कंपनीज बोल लीजिए। तो इन कंपनियों को चलाने के लिए मेन आपका जो ग्रुप है वहां से टेक्नोलॉजी एनहांस करा, वहां से इन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट लिया, बहुत सारी चीजों को यूटिलाइज किया, इन्हें आउटसोर्स किया, और इसी चीज से चाइल्ड कंपनी को बनाया, और पैरेंट कंपनी खुद स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और चाइल्ड कंपनी खुद स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। दोनों कंपनियों ने अपने आप को लिस्ट करा तो लिया, और उसके बाद में अपनी ही बैलेंस शीट को घुमा रहे हैं। यानी अगर इसको चाइल्ड कंपनी को लॉस होगा तो ये अपने लॉसेस को घुमाने के लिए पैरेंट कंपनी से लोन ले लेगा, अगर पैरेंट कंपनी को कोई दिक्कत आती है तो वो चाइल्ड कंपनी की हेल्प ले लेगा। यानी ये वही बात हो गई कि भाई मैं एक जगह ना जाते हुए मैंने एक ही कंपनी के राइट्स को 4 जगह घुमा दिया है, और मेरी पूरी बैलेंस शीट के अंदर कैश फ्लो हो रहा है। इसलिए आप लोग देखते हैं कभी भी बड़ी कंपनी को कैश का प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि जब ग्रुप बहुत बड़ा होता है तो कैश फ्लो की दिक्कत नहीं होती। जैसे अडानी ग्रुप
बहुत बड़ा कैश फ्लो है, इतना बड़ा कैश फ्लो है जहां पर हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अदानी इंटरप्राइज करके एक बड़ा ग्रुप है उसके अंडर यानी बहुत सारी कंपनीज है, अडानी पोर्ट हो गया, अडानी ग्रीन्स हो गया, अडानी विल्मर हो गया, ये बहुत सारी कंपनीज है जो स्पिन ऑफ के तहत बनी हुई है, यानी एक ही कंपनी के राइट्स को हम लोगों ने पैरेंट कंपनी को दे दिया है, यानी जो भी होगा वो पैरेंट कंपनी के साथ में होगा, तो उनके छोटे जो शेयर्स है उन पर भी असर पड़ेगा, और अगर किसी छोटे शेयर्स पर कोई दिक्कत हो गई तो उनका असर सीधे सीधे पैरेंट कंपनी पर भी पड़ेगा। तो हमें ज्यादातर अपने स्टॉक को एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना चाहिए। एक कहावत है कि सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं रखा जाता है, अगर सारे अंडों को एक बास्केट में रखेंगे तो अंडों के फूटने का डर होता है, इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसी कोई भी बड़ी कंपनी के शेयर्स सारे इकट्ठे नहीं कर लेना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का मानना होता है भाई अदानी के शेयर्स बहुत बढ़ रहे हैं तो हम लोग अदानी के शेयर्स को खरीद लें, अदानी पोर्ट खरीद लिया, एंटरटेनमेंट खरीद लिया, अदानी ग्रीन खरीद लिया, विल्मर खरीद लिया, और किसी दिन अदानी के ऊपर अगर ऐसी कोई दिक्कत आ गई तो स्पिन ऑफ के तहत तो सारी कंपनीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी कैश फ्लो रुक गया अगर किसी मेन या पेरेंट कंपनी के अंदर तो अदानी के सारे स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब है एक जगह पूरी तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हमारे इन्वेस्टमेंट को हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसका मतलब है सारे अंडों को अलग 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 बास्केट में रखिए ताकि फूटने का डर बिल्कुल भी नहीं। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा स्पिन ऑफ का मतलब है अपनी चीजों को घुमा देना, यानी आप खुद एक कंपनी बनाए, बड़ी कंपनी बनाए, उस बड़ी कंपनी के प्रॉफिट लॉस को घुमा दीजिए आपस में। चलिए नाइन्थ नंबर का कॉर्पोरेट एक्शन है शेयर कंसोलिडेशन। अब शेयर कंसोलिडेशन के अंदर होता क्या है भाई, शेयर कंसोलिडेशन जो हम लोगों ने स्टॉक को स्प्लिट किया था उसका टोटली रिवर्स है, यानी जैसे हम लोग स्टॉक को 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ में हम लोग 2-2 रुपए की फेस वैल्यू करके हम लोग जो तोड़ रहे थे 5 हिस्सों में, उसी हिसाब से रिवर्स का मतलब होता है हम 2-2 रुपए की वैल्यूएशन के स्टॉक को जोड़कर एक वैल्यूएशन का कर रहे हैं, यानी हम लोग रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोसेस रिवर्स होता है, स्प्लिट के अंदर फेस वैल्यू को तोड़ दिया जाता है और शेयर कंसोलिडेशन के अंदर फेस वैल्यू को जोड़ दिया जाता है। दैट मीन्स स्प्लिटिंग के अंदर हम लोग 100 रुपए के शेयर्स को 20-20 रुपए पर शेयर के हिसाब से 5 शेयर में तोड़ देते हैं और इसी जगह हम लोग 20-20 रुपए के 5 शेयर्स को जोड़ के 100 रुपए का एक कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड शेयर कंसोलिडेशन। तो कंपनी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है लेकिन उसको अपनी मर्जी से करने का पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं है। इन सभी चीजों के लिए सेबी से अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। सेबी कौन भाई, सेबी इस मार्केट का रेगुलेटर, बिना पूछे सेबी से ये लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक टाइप के मैनिपुलेशंस होते हैं। जब भी हम लोग स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों से हम लोग स्टॉक के अंदर होने वाले जो मोमेंटम्स हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमें पता हो सकता है कि हम जिस वक्त एंट्री कर रहे हैं उस वक्त शायद शेयर का स्प्रेडिंग ना हो रहा हो या शेयर का कंसोलिडेशन नहीं हो रहा हो, तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमिस्ट्री हम लोगों ने सबने पढ़ा होगा भाई। केमिस्ट्री के अंदर एक वर्ड आता था अमलगमेशन। मैं जब अपने स्कूल डेज के अंदर था तो लाइब्रेरी के अंदर हम लोगों ने बहुत मस्ती करी होगी, जब साइंस लैब का जब पीरियड लगता था तो हम लोगों ने बहुत मस्ती करी थी और उस वक्त हम क्या करते थे, हम लोग बहुत सारे केमिकल को मिलाकर कुछ नया केमिकल बना देते थे और एक बार तो ऐसा हुआ कि 2-3 केमिकल हम लोगों ने डाले और वो ब्लास्ट हो गया, तो वहां से ये वर्ड लिया गया है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब है बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर, ठीक है, बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई रिलायंस मिल जाए, मैं कहूं आपसे अडानी मिल जाए, ठीक है, और अगर मैं कहूं आपसे टाटा मिल जाए, अगर ये तीनों बड़ी बड़ी कंपनी मिलकर एक कंपनी बना ले तो कैसा लगेगा आप लोगों को, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अमलगमेशन। यानी अलग अलग कंपनीज अपने कॉम्पिटिशन को खत्म कर दे, अपनी मोनोपोलिस स्टार्ट कर दे तो एक ये बड़ा जाइंट बनेगा। तो अमल कमीशन भी उसी टाइप का प्रोसेस है जहां पर इन तीनों कंपनियों को मिलाकर मैंने एक नई कंपनी बना दी जिसको मैंने शायद RAT रैट करके मैंने एक नाम दे दिया
दैट इज कॉल्ड अमल कमीशन। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलाकर या छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर अलग अलग जोन की डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की मैंने एक नई कंपनी फॉर्मेशन करी और इस नई कंपनी को मैंने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करा दिया। ये ऑलरेडी लिस्टेड है, ये ऑलरेडी शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, बट इन तीनों से जो कंपनी बनी है RAT, रिलायंस, अडानी और टाटा, इनसे जो कंपनी बनी है उसको भी मैंने स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दिया है ताकि वो अपना काम करती रहे और साथ में अपने हिसाब से ट्रेड भी करती रहे और मोनोपोली बिजनेस चलाती रहे। तो अमल कमीशन जिस टाइप में काम करता है वो है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर का मतलब है मिला लेना, एक्विजिशन का मतलब है एक्वायर कर लेना। तो जब भी कोई कंपनी आपस में मिल जाती है, मर्ज हो जाती है या कोई कंपनी किसी को एक्वायर कर लेती है तो उन प्रोसेस से अमल कमीशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दैट इज द लास्ट कॉर्पोरेट एक्शंस जहां पर कंपनीज फायदा उठाती है और आप इन चीजों को देखकर स्टॉक के अंदर एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को आप सेव कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं आप लोगों को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप लोगों को इस सीरीज को और बेहतर तरीके से समझना है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को किस किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस हमेशा बनाता रहूंगा जिससे आप लोगों का नॉलेज मिले और आप लोग इन्वेस्टमेंट के प्रति थोड़ा सा सजग हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही है पैसिव इनकम की कुंजी। और द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय बाय।